देख रहे हैं केवल मत्स्य जीवी सहयोग समिति का चुनाव शांतिपूर्ण हुआ संपन्न। खबर औरंगाबाद जिले के बारून प्रखंड के है, जहां मंगलवार को बारून ब्लॉक में शांतिपूर्ण तरीके से मत्स्य जीवी सहयोग समिति का चुनाव संपन्न हुआ। वहीं मतदान के उपरांत मतगणना कर परिणाम का घोषणा कर दिया गया। वीडियो आशुतोष कुमार ने बताया कि मत्स्य जीवी सहयोग समिति के अध्यक्ष पद पर 5 और मंत्री पद पर 4 उम्मीदवार खड़े थे। कुल 413 मतदाताओं ने अध्यक्ष पद और मंत्री पद के लिए मतदान किया। 59.85% मतदान हुआ। मतगणना के उपरांत केदार चौधरी अध्यक्ष पद के लिए और मंत्री पद के लिए गुलाबचंद ने बाजी मारी। वहीं वीडियो आशुतोष कुमार ने दोनों विजयी उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र दिया। आपका गुलाबचंद चौधरी, किस चीज का चुनाव था? मैं फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी का हुआ था, मत्स्य जीवी सहयोग समिति। कितने वर्षों पर लगातार हमेशा होता है ये? 5 वर्ष को होता है। इससे पहले कौन था? हम ही थे, गुलाबचंद चौधरी। और आपका प्रतिद्वंदी कौन थे? हमारा प्रतिद्वंदी उस समय था। जीत का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? आम जनता को, जितने सोसाइटी सदस्य है उनका श्रेय है, और यहाँ आनंदी वगैरह जितने भी समिति के लोग उनका सब श्रेय है सर। जीतने के बाद अपने पब्लिक के लिए काम कीजिएगा। 100% करेंगे, उन्हीं का काम रहेगा, हमारा सिर्फ नाम रहेगा। पहला काम क्या होगा? पहला काम होगा मछली उत्पादन और उसको मार्केट में बेचना और मार्केट बनवाना। आप वोटरों को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश देते हैं कि आपको हम 5 वर्षों में मछुआ आवास इतना बनावेंगे ताकि आपका जीवन जो सफल हो जाए, आवास में आप भागीदारी रहेंगे। केदार चौधरी। आप कहाँ से विजय हुए? बारून से। बारून मोहनगंज है? पहली बार चुनाव लड़े हैं? पहली बार। मैंने हरा के अपने जो इससे पहले जीते हुए थे उसको हराए हैं। इससे पहले कौन थे? गोपाल चौधरी निषाद। अच्छा, अभी आप बने जी। अच्छा, तो आपका ये जीत का श्रेय किन्हें देना चाहेंगे? जनता को, जो हमारे सोसाइटी के सदस्य लोग हैं। अच्छा, आप जीतने के बाद आपका पहला काम क्या होगा? पहला काम वही मत्स्य पालन वाला जो काम होता है, उसका उत्पादन के लिए लोगों में करने के लिए जो होता है, तालाब वाला का जो मिलता है नीलामी, उसको जलाने के लिए। लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? बधाई का संदेश देना चाहते हैं। अधिकतर देखा गया कि जो लाभार्थी होते हैं, जो गरीब होते हैं, उन्हें उन तक लाभ नहीं पहुंच पाती है। उसी के लिए मैं, और जो बिचौलिए होते हैं बीच में, उनको ये सारा चीज सब ले लेते हैं जी। उसी के लिए मैं, इसके लिए आप क्या कीजिएगा? उसी के लिए जीता हूँ, उनको लाभ दिलवाने के लिए जीता हूँ। मैं गरीब से गरीब अंतिम पायदान में जो खड़े हैं उनके लिए भी उसके लिए काम करूंगा।